सलमान खान की ईद रिलीज मूवी ट्यूबलाइट कल रिलीज हो गई है। रिलीज के बाद आज सलमान ने मुंबई में कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म से जुड़ी बातें शेयर की, तो वहीं कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही। सलमान ने कहा कि सुनील ग्रोवर काफी अच्छे कलाकार हैं और मुझे लगता है कि वो एक लौता कॉमेडियन है जो कि कॉमेडी नहीं करता बल्कि किसी किरदार को निभाते हुए उसी के अंदाज में बात करने लगता है। सुनील की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहीं ट्यूबलाइट को मिले रिस्पॉन्स पर बात करते हुए सलमान ने कहा कि मुझे तो लग रहा था कि क्रिटिक्स माइनस में रेटिंग देंगे, लेकिन उन्होंने 1-1.5 या 2 स्टार दिए हैं। मुझे सुबह से बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं जिसमें कोई कह रहा है कि वह गाने के दौरान रोया है, तो कोई कह रहा है कि इमोशनल सीन में भी काफी रोना आया है। ये फिल्म मेरी पिछली कई ईद की रिलीज हुई फिल्मों से अलग है क्योंकि ये परिवार के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ देखी जा सकती है। For more Bollywood and Pollywood updates, subscribe our channel, Savera Star Talks.